हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको श्री नवग्रह पूजन विधि बताएंगे। किस प्रकार भगवान नवग्रहों का पूजन किया जाता है, किस दिशा में वेदी लगाई जाती है, किस दिशा में ग्रहों को बैठाया जाता है वेदी के ऊपर, वह संपूर्ण जानकारी मंत्रों सहित आपको हम बताने जा रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नवग्रह मंडल पूजन। ग्रहों की स्थापना के लिए ईशान कोण में चार खड़ी पाइयों और चार पड़ी पाइयों का चौकोर मंडल बनाएं। इस प्रकार नौ कोष्ठक बन जाएंगे। बीच वाले कोष्ठक में सूर्य भगवान, अग्नि कोण में चंद्र, दक्षिण में मंगल, ईशान कोण में बुध, उत्तर में बृहस्पति, पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, नैऋत्य कोण में राहु और वायव्य कोण में केतु की स्थापना करें। मंडल बन जाने के बाद अब बाएं हाथ में अक्षत पुष्प लेकर नीचे लिखे मंत्र बोलते हुए ऊपर लिखित क्रम से दाहिने हाथ से अक्षत छोड़कर ग्रहों का आवाहन एवं स्थापन करें। अब सबसे पहले भगवान सूर्य जी का आवाहन करेंगे। मध्य में गोलाकार लाल वर्ण के भगवान सूर्य बने हुए हैं। सूर्य का आवाहन लाल अक्षत पुष्प लेकर करें इन मंत्रों द्वारा। ओम आकृष्णे नराजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न जपाकुसुमशङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं सूर्यमावाहयाम्यहम्। ॐ भूर्भुवः स्वः कलिङ्गदेशोद्भव काश्यपगोत्र रक्तवर्णभूसूर्य इहागक्ष इह तिष्ठ। ॐ सूर्याय नमः। श्रीसूर्यम् आवाहयामि स्थापयामि। लाल अक्षत पुष्प भगवान सूर्य में छोड़ दें। इसके बाद भगवान चंद्रमा का आवाहन करेंगे। अग्नि कोण में अर्धचंद्र श्वेत वर्ण के होते हैं। चंद्र का आवाहन श्वेत अक्षत पुष्प लेकर करना चाहिए इन मंत्रों से। ओम इमं देवा आसपतनागुंशु बधवं महाते क्षतराय महाते ज्येष्ठाय महाते जानराज्यायेन्द्रियेन्द्रियाय इमामुखय पुत्रमामुखय पुत्रमशिय विष एकवोमि राजा सोमोषमाकं ब्राह्मणानागुराजा दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदारणवशंभवं ज्योत्स्नापतिं निशानाथं सोममावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः यमुनातिरोद्भव आत्रेयगोत्र शुक्लवर्ण भूसोम इहागक्ष इह तिष्ठ। ओम सोमाय नमः। सोमं मावाहयामि स्थापयामि। श्वेत पुष्प और अक्षत भगवान चंद्र में छोड़ दें। इसके बाद भगवान मंगल का आवाहन होता है। दक्षिण में त्रिकोण लाल वर्ण के होते हैं। मंगल का आवाहन लाल पुष्प और अक्षत लेकर करना चाहिए इन मंत्रों से। ओम अग्निर्मूर्धा दिवाह ककुक्पति पृथिव्या अयम् मा अपागुरेता गुंसि जिन्वति धरणी गर्भसंभूतं विद्युत्तेजस्समप्रभं
कुमारं शक्तिहस्तं च भौमम् आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः अवन्तिदेशोद्भव भारद्वाजगोत्र रक्तवर्ण भूभौम इहागक्ष इहतिष्ठ। ओम भौमाय नमः। भौमं मा वाहयामि स्थापयामि। इसके बाद लाल पुष्प और लाल अक्षत भगवान मंगल में चढ़ा दें। इसके बाद भगवान बुध का आवाहन करें। ईशान कोण में हरा धनुष आकार के बने होते हैं। बुध का आवाहन पीले या हरे अक्षत पुष्प लेकर करना चाहिए इन मंत्रों से। ओम उद्बुद्ध्याश्वाग्ने प्रतिजाग्रहृत्वमिष्टापूर्ते सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् साधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत पियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं बुधमावाहयाम्यहम्। ओं भूर्भुवः स्वः मगधदेशोद्भव आत्रेयगोत्र पीतवर्ण भूबुध इहागक्ष इहतिष्ठ। ओं बुधाय नमः। बुधं मावाहयामि स्थापयामि। हरा पुष्प अक्षत भगवान बुध में छोड़ दें। इसके बाद बृहस्पति भगवान गुरुदेव का आवाहन करते हैं। उत्तर में पीला वर्ण का अष्टदल बना होता है। बृहस्पति का आवाहन पीले अक्षत पुष्प से करना चाहिए इन मंत्रों के द्वारा। ओम बृहस्पते आति यदर्यो अरहा द्युमद्दि भाति क्रतु मज्जनेखु यद्दीदायच्छावासारित प्रजात तदसमासुद्रविडं धेहि चिदरं मा उपायामगृहीतोषि बृहस्पताये त्वयि खतेयो निर्बृहस्पताये त्वा देवानां च मुनीनां च गुरुं काञ्चन सन्निभम् वंद्यभूतं त्रिलोकानां गुरुमावाहयाम्यहम्। ओं भूर्भुवः स्वः सिन्धुदेशोद्भव आंगिरसगोत्र पीतवर्ण भूगुरु इहागक्ष इहतिष्ठ। ओं बृहस्पते नमः। बृहस्पतिं मावाहयामि स्थापयामि। पीले पुष्प और अक्षत भगवान गुरुदेव में चढ़ा दे बृहस्पति भगवान में। इसके बाद भगवान शुक्र का आवाहन करते हैं। पूर्व में श्वेत वर्ण चतुष्कोण बने होते हैं। शुक्र का आवाहन श्वेत अक्षत पुष्प से करना चाहिए इन मंत्रों के द्वारा। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणाभ्यविवच्छतरं पायाः सोमं प्रजापतिः रितेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं सुकरमन्धाश इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं शुक्रमावाहयाम्यहम्। ॐ भूर्भुवः स्वः भोजकटदेशोद्भव भार्गवगोत्र शुक्लवर्ण भोशुक्र इहागक्ष इहतिष्ठ। ॐ शुक्राय नमः। शुक्रं मावाहयामि स्थापयामि। श्वेत वर्ण पुष्प अक्षत भगवान शुक्र में चढ़ा दें। इसके बाद भगवान शनिदेव का पश्चिम में काला धनुष आकार के बने होते हैं। शनि का आवाहन काले अक्षत पुष्प से करना चाहिए इन मंत्रों से। ओम सन्नो देवीराभिष्टाय आपो भवन्तु पीताये संजोराभिस्रावन्तु नाः नीलांबुजसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्दण्डसंभूतं सनिमावाहयाम्यहम्। ओं भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्रदेशोद्भव
काश्यपगोत्र कृष्णवर्ण भूषणईश्वर इहागक्ष इह तिष्ठ। ओम शनईश्वराय नमः। शनईश्वर मावाहयामि स्थापयामि। काले पुष्पक्षत भगवान शनिदेव बैठा दें। इसके बाद राहु नैऋत्य कोण में काले मकर रूप में बने होते हैं। राहु का आवाहन भी काले पुष्प और अक्षत से करना चाहिए। इन मंत्रों से ओम काया नश्चितरा आभुवदूते सदा वृधा सखा काया सचिष्ठाया वृता अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भसंभूतं राहुम आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः पाठिन पुरोद्भव पैठीन सगोत्र कृष्णवर्ण भूराहो इहागक्ष इह तिष्ठ। ओम राहवे नमः। राहुम आवाहयामि स्थापयामि। राहु की स्थापना करने के बाद भगवान केतु का किया जाता है। वायव्य कोण में कृष्ण खड़ग रूप में बने होते हैं। केतु का आवाहन धूमिल अक्षत पुष्प लेकर करना चाहिए। ओम केतुम क्रीड़ावन्ना केतवे पेशो मर्या आपेशसे समुसद्भिरजा यथाः पलास धूम्रशंकासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं केतुमावाहयाम्यहम्। ओं भूर्भुवः स्वः अंतर्वेदी समुद्भव जैमिनी गोत्र धूम्रवर्ण भूकेतु इहागक्ष इह तिष्ठ। ओम केतवे नमः। केतुम आवाहयामि स्थापयामि। नवग्रह मंडल की प्राण प्रतिष्ठा आवाहन और स्थापन के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर इस मंत्र को बोलते हुए नवग्रह मंडल में अक्षत छोड़े। ओम मनो ज्योतिर्जुगतां माजस्य बृहस्पतिर्जज्ञ मे मन्तनोत् वरिष्ठं जज्ञ कुंसा मे मन्दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। अस्मिन् नवग्रहमण्डले आवाहिताः सूर्यादि नवग्रहा देवाः सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। अब भगवान नवग्रह देवताओं की आवाहन स्थापन प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब भगवान नवग्रहों का पूजन करना चाहिए। समस्त 1650 से पूजन करें। इसके बाद भगवान नवग्रहों का इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजन के पश्चात हाथ जोड़ करके निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संशनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः। इसके बाद प्रार्थना करने के बाद निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करते हुए नवग्रह मंडल पर अक्षत छोड़ दें और नमस्कार करें। निवेदन और नमस्कार। अनया पूजया सूर्यादि नवग्रहाः प्रियं तां नमाम। इस प्रकार से नवग्रह भगवान का पूजन होता है, स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। कभी भी जब हम नवग्रह शांति करें, नवग्रहों का पूजन इसी प्रकार से करें, इन्हीं मंत्रों द्वारा करें। और समस्त पूजन मंत्र आपको हमने पहले से बता रखे हैं।
अनेकादि वीडियो में संपूर्ण मंत्र हमने बता रखे हैं। श्री गणेश पूजन विधि में संपूर्ण मंत्रों को हमने बताया है आपके लिए, आप मंत्रों को वहां से भी सीख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।